दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे Redmi 7A के बारे में। और ये जो है Redmi का 7 है और इसमें देख सकते हो पैटर्न लॉक पड़ा है। अगर आपका Redmi का 7A में पिन पैटर्न पासवर्ड कुछ भी लॉक पड़ा है तो आप इसको घर में ही अनलॉक कर सकते हो। उसके बाद में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअली में अगर आपका Redmi 7A में पैटर्न लॉक अनलॉक हो जाने के बाद FRP लॉक पड़ता है तो बिना कंप्यूटर बिना PC के कैसे अनलॉक कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। वीडियो को आखिरी तक देखना और इसको आप आराम से घर में ही खोल सकते हो, किसी रिपेयरिंग शॉप में लेके जाने का जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हार्ड रीसेट करने के लिए आपको क्या करना है, पहले मोबाइल को स्विच अप कर लेना है। और स्विच अप करने के बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है ना, वॉल्यूम का प्लस बटन को ऐसे प्रेस करके रखना है और उसके बाद आपको पावर बटन प्रेस करना है। जब तक कि आपका रेडमी का लोगो नहीं आ जाए तब तक आपको पावर बटन नहीं छोड़ना है। जैसे रेडमी का लोगो आ जाए पावर बटन छोड़ देना है, लेकिन वॉल्यूम का प्लस बटन को आपको प्रेस करके ही रखना है। और जैसे ही आपका रिकवरी मोड आ जाएगा आपको वॉल्यूम का प्लस बटन भी छोड़ देना है। देखिए दोस्तों, इधर जो है रिकवरी मोड आ चुका है या तो मेन मनी मोड आ चुका है। उसके बाद आपको जाना है स्वाइप डाटा में, तो स्वाइप डाटा में जाके पावर बटन प्रेस करना है। इधर आपको प्रेस करना है ऑल स्वाइप ऑल डाटा, और इधर आपको देखिए इधर स्वाइप डाटा और स्वाइप ऑल डाटा, और इधर नीचे जाके आपको कन्फर्म दबा देना है। जैसे आप कन्फर्म दबाओगे तो ये मोबाइल जो है हार्ड रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा और अपना मोबाइल में जो भी डाटा है पिन पैटर्न पासवर्ड वो अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आपका जो भी फोटो वीडियो कॉन्टैक्ट जो भी कुछ है वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हार्ड रीसेट करने का प्रोसेस। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में अगर आपका हार्ड रीसेट कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद जो है आप अगर अपना FRP लॉक आ चुका है तो आप क्या कर सकते हो। देखिए दोस्तों, FRP लॉक आएगा ही आएगा अगर आपका मोबाइल में जीमेल ID लॉगिन था। तो आपको क्या करना है ना, अपना मोबाइल में सिम निकाल देना है। हार्ड रीसेट करने से पहले आपको सिम निकाल देना है। ठीक है दोस्तों, सिम निकालने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप स्किप करते करते जाओगे तो स्क्रीन लॉक का ऑप्शन आएगा, उसमें सिंपल कोई भी एक स्क्रीन लॉक लगा लेना। उसके बाद क्या होगा ना, फिर जब आप सिम डाल के आप लॉगिन करोगे तो उधर जो है लॉक स्क्रीन दिखाएगा। या तो लॉक स्क्रीन डालो या तो आप अपना जीमेल ID डालो, तो लॉक स्क्रीन डाल देना, आपका जो जीमेल ID है वो स्किप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा मेथड है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा दूसरा वाला वीडियो भी है, चैनल में जाके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।